गुरुदेव की कृपा से चारों भैया विद्यावान हो गए, धारण कर लिया धनुष को। वशिष्ठ मुनि ने धर धार बना दिया, अस्त्र शस्त्र धनुष सारी विद्याएं सिखाई, आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थवेद सारी नीति सिखाई। और सबसे ज्यादा गुरु वशिष्ठ ने क्या सिखाया, राज धर्म सिखाया। राज धर्म, राजा का पुत्र है राजा ही बनेगा, इसीलिए राम जी को राज धर्म का ज्ञान दिया। क्या क्या ज्ञान राज धर्म का है वो सारा ज्ञान दिया। गुरुदेव के चरणों में 11 बरस राम जी रहे, सेवा की गुरुदेव की, गुरु माता की, गौया की, राम जी गाय की सेवा करते थे। जिस गाय के दूध की खीर से राम जी का जन्म हुआ, उसी गाय की राम जी को सेवा करने का मौका मिला गुरुदेव के चरणों में। काम धाम, आज दामिनी गैया की सेवा हो रही है महाराज। काम धेनु सुरसुताम, आशीर्वाद राम जी को गैया मैया का मिला। रथ में सजाया राम जी चारों भैयन को, और आज विदाई हो रही है गुरुकुल से। ये पहले विद्यार्थी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ऐसे हैं जिनकी रथ में बैठ के विदाई की गई है, और जो टॉपर होते हैं उनकी विदाई होती है, सम्मान होता है। चारों भैयन की विदाई की जा रही है, और आज अवधपुर सज गया है, राम पढ़कर आ रहे हैं, राम राम भगवान बन के आ रहे हैं। जब तक विद्या नहीं तब तक सम्मान भी नहीं मिलता। विद्या भगवती जातां, धनवान व्यक्ति जहां पहचान है वहां पूजेगा, राजा भी वहीं पूजेगा जहां पहचान है। पर जिसके पास विद्या धन है वो बिना पहचान के सर्वत्र पूजा होती है उसकी। किसकी? विद्वान की। आज राम मेरे विद्वान बन के आए तो पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा, पूजा ही पूजा चल रही है। आवत देखे राम जब बरसने लागे फूल, वर्षा होने लगी राम पर अयोध्या में, और दीप उथाली सज गए, और सज गई सारी गैल, सारे रास्ते सज गए। राम तो केवल पढ़ के आ रहे हैं, अभी इतना स्वागत हुआ है राम जी का। क्यों? सबको स्नेह था राम जी से। राम जी कहां से पढ़ के आ रहे हैं? राम जी कॉन्वेंट से पढ़ के नहीं आए जो कुत्ता ना पूछे। राम जी गुरुकुल में पढ़ के आए, गुरु परंपरा से पढ़ के आए। राम जी की पढ़ाई कैसी है? संध्या यज्ञ प्रारंभ करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, तप जप करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, लंगोट यज्ञोपवीत चोटी शिखा बंधन और घुंघराली जटाएं हैं राम जी की। राम जी का अवधपुर में स्वागत हुआ, राम जी पढ़ के आए तो आज राजा दशरथ ने राम जी का सहस्र स्वागत किया, तीनों रानियों ने स्वागत किया, तीनों माताएं गदगद हो गईं, क्योंकि आज राम जिस रूप को लेके आए हैं वो सबको पागल बना रहा है। कैसे गए थे? 5 वर्ष के। आज आए हैं तो कितने वर्ष के हो के आए? 16 वर्ष के। तो लोग क्या कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, आएगी जवानी तो सुधरेगी? नहीं, नहीं बोल पाए। आएगी जवानी तो सुधरेगी कानी, यानी कि जवानी में तो कानी भी सुंदर दिखे, और ये तो श्याम सुंदर राम सुंदर पहले से ही सुंदर। और आज 16 साल के हो गए तो इनकी अदाओं पे पूरा अयोध्या फिदा होता चला जा रहा है, दीवाना होता चला जा रहा है। बाल इतने सुंदर हो गए, चेहरा इतना सुंदर हो गया, वक्षस्थलम कृतमूलवाप्तम, इन कंधों को देखकर तो लोग हैरान हो जाते हैं। छाती स्तने, दोनों स्तन खुले हुए हैं, अलग 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 अलग, पुरुषों के स्तन खुल जाए तो लोग बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। क्या बॉडी है राम की, स्तन वक्षस्थलो कृत बुद्ध मूलम, ओह कमर कैसी है, कमर ऐसी कसी टाइट कमर है, नाभि अंदर गई हुई है, छाती बाहर आई हुई है, कपोल हिल रहे हैं। राम जी के स्वरूप को देख के सारा अवधपुर दीवाना हो गया है।
अपने अपने घर से राई नौन कर रही हैं अयोध्या वासिनी, सारी माताएं पूरे हर घर के, जिस घर के सामने से जावे आरती होवे और पीछे से कोई बूढ़ी महिला नजर उतारे राम जी की, कहीं हमारी नजर न लग जाए, कहीं हमारी नजर ना लग जाए, हमारा बालक इतना अच्छा हो जाए कि पूरा गांव नजर के लिए घबराने लग जाए, ऐसे बालक को जन्म देके ही सुख मिलता है आत्मा को।